ये अभाज्य गुणनखंड विधि से 9261 का घनमूल हमें ज्ञात करना है। 9261 का घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा। ये मैंने 9261 लिखा, इसका मैंने गुणनखंड करना शुरू करा। आखिरी में कितना बेटा? आखिरी में एक है तो दो से नहीं जाएगा, ये दो से बिल्कुल नहीं जाएगा। तो तीन से देखो, तीन का टेबल बोलो नौ आ जाए, तीन तीन नौ, तीन का टेबल बोलो, तीन का टेबल बोलो कि दो आ जाए, तीन के टेबल में दो आते क्या? दो नहीं आते। तो अब दो अंक लेने पड़ेंगे, दो अंक एक साथ लेने पड़ेंगे, तो जब दो अंक एक साथ लेंगे तो बीच में जीरो लगाना पड़ेगा। अब तीन का टेबल बोलो 26 आ जाए, तीनों अठे 24, तीनों अठे 24, तो तीनों अठे 24, अब 26 में से 24 गया, 26 में से 24 गया तो कितना बचेगा बताओ? 26 में से 24 गया तो दो बचेगा, दो इसको दिया कितना हो गया 21, तीनों सत्ते 21, तीनों सत्ते 21। चलो फिर तीन से दो, तीन एकम तीन, जीरो का जीरो, तीन का टेबल बोलो कि आठ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तीन दूनी छः, आठ में से छः गया तो दो बचेगा, दो इसको दिया, तीन नाम 27। फिर तीन से दो, तीन का टेबल बोलो बेटा, तीन का टेबल बोलो 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तीन तीन नौ, तीन तीन नौ, तीन तीन नौ, 10 में से 9 गया तो एक बचा, एक इसको दिया, तीन चौक 12, तीन चौक 12 और तीन तीन नौ। अब सात से देंगे, सात का टेबल बोलो 34 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सात चौक 28, सात चौक 28, अभी 34 है, 34 में से 28 घटा दो, 34 में से 28 गए, इसको दिया 14 में से 8 गया तो 6, तो ये 6 इसको दे दिया, ये मैंने 6 इसको दे दिया। तो सात का टेबल बोलो कि 63 आ जाए, सात का टेबल बोलो 63 आ जाए, कितनी बार बोलेंगे सात का टेबल 63 आ जाए, सात नाम 63, फिर सात का टेबल बोलो 37 50, फिर सात का टेबल बोलो 7 एकम 7, अब हम क्या करेंगे कि यहां पर घनमूल का निशान लगाएंगे और 9261, फिर ये घनमूल का निशान, फिर आएगा घनमूल का निशान देखिए, और जितने भी आपके फैक्टर बने एक दो तीन, तीन कितनी बार है? तीन तीन बार है, एक दो तीन, सात कितनी बार है? तीन बार है। चलिए अब देखो, ये जोड़ा बाहर निकला तीन का, ये तीन का जोड़ा मैंने बाहर निकाला, ये सात का जोड़ा भी मैंने बाहर निकाला, अब तीन का टेबल सात बार बोलो, तीनों सत्ते 21, और ये आपका यानी कि 9261 का घनमूल 21 है। 9261 का घनमूल कितना आया? 21। मालूम पड़ गया ना कैसे हुआ? तो 8 ग्रेड में ये आपको प्रश्न नंबर है 12, प्रश्न नंबर 12 और पेज नंबर है 3 पे 5 35।